Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sri Sanvi and you are watching Sun Nonstop. So guys again I'm back with another amazing great news about Indian team. जी guys, तो India जो है वो T20 World Cup 2024 जीत चुका है और यार बहुत ही मुश्किल मैच हो रहा था. अफ्रीका वालों ने ऐसे थाली में परोस कर जो है वो इंडिया को जो है वो जीता हुआ मैच जो है वो हार कर जो है वो उनके नाम जीत कर दी. मतलब आखिरी बॉल तक भी यही चीज लग रही थी कि अगर दो चौके लग गए, अगर एक छक्का लग गया तो अफ्रीका जीत जाना. मतलब आखिरी बॉल तक भी कोई चीज जो है वो सर्टन हो ही नहीं थी पा रही. कभी ऐसे मैच जा रहा था, कभी ऐसे. जैसे हेनरी आउट हुआ ना अफ्रीका का, साथ ही भाई हर चीज पलट के रह गई, बदल गई एकदम से. वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए. बिकॉज वहीं पर जो है वो सबकी उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि पहले जो था वो लग रहा था कि इंडिया के जो है ना वो हाथ से मैच निकल चुका है. लेकिन अभी फाइनली जो है वो इंडिया जीत चुका है. पाकिस्तानी अवाम का इस चीज के ऊपर क्या रद्द अमल है? पाकिस्तानी अवाम जहाँ पे जो है वो दुआ कर रहे थे कि अफ्रीका जीत जाए, अफ्रीका जीत जाए, लेकिन फाइनली इंडिया जीत चुका है. और मैं भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो ब्लू शर्ट भी आज पहनी हुई है. इससे पहले गाइज, जितने लोग नए मेरे चैनल पर, जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिएगा. तो गाइज आज आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अगर 10 से 20 दोस्तों को जरूर शेयर करना है, बिकॉज इंडिया जो है वो जीत चुकी है. तो इसी खुशी में आप लोगों ने जो है वो वीडियो शेयर करनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना. हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कुछ भी मिल जाए ना, हम कैसे प्लेन बिच भी मिल जाए, कोई नहीं जी सकता, कोई नहीं जी सकता इंडिया से. अगर इतनी प्लेन बिच भी मिल जाती ना अफ्रीका को, ये देखे फिर भी नहीं जी सकते. सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, सालों को बाहर फेंका पकड़ के, पाकिस्तान को भी बाहर फेंक दिया. इंडिया ने जीत लिया ये T20 वर्ल्ड कप का टाइटल. और वाकई ही इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे लीथल टीम, सबसे लीथल बॉलिंग, सबसे लीथल बैटिंग सिर्फ इंडिया ने की है. यह साउथ अफ्रीका भी फिर से चौक कर गई है. पाकिस्तान के लेने आए हैं आप, ये बताएं. इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जाने का शौक है. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इंडिया की, क्योंकि जब हम उनके मैचेस देखते हैं हमें एफर्ट नजर आती है. वो अपनी कौम के लिए खेलते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं. ना कोई टीम वर्क होता है इनमें, ना किसी किस्म का कोई सिंगल प्लेयर कोई ऐसी सिंगल एफर्ट करता है कि टीम मैच जीत सके. लेकिन इंडिया की टीम उनको देखो, वो पूरी टीम के लिए खेलते हैं, वो पूरी कौम के लिए खेलते हैं. रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीत के बता दिया कि क्रिकेट का बाप इंडिया ही है. रोहित शर्मा जो है ना, मैं इधर स्टॉप इसको करूंगी. रोहित शर्मा जब आउट हुआ ना, और उसके बाद मुझे लगा विराट कोहली जो है ना अब रुकेगा. विराट कोहली भी जब गया ना, रोहित शर्मा जब गया, लिटरली मैंने कहा अब मैच गया, अब मैच गया, अब नहीं जीत पाएंगे. ये होती है इंडिया ने करके दिखा दिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ले गया. वाकई इंडिया ने बता दिया कि वर्ल्ड कप कैसे लेके जाते हैं. पापा पापा T20 वर्ल्ड कप वाकई इंडिया ने लेके बता दिया. इंडिया ही इंडिया, बस खत्म हो गया इंडिया इंडिया. वलीद क्या कहेंगे, आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली है. इंडिया मैच नहीं हारा. इंडिया ने जो रोहित शर्मा अपनी कौम से जो वादे करके आया था वो पूरे किए हैं भाई. हिस्ट्री याद रखेगी रोहित शर्मा की, वो मेहनत को याद रखेगी जो उसने कुर्बानी दी है. जो सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा रोया था उसका बदला साउथ अफ्रीका से लेना था भाई. साउथ अफ्रीका 10 भी बारियां ले लेती तो भी इंडिया को नहीं हरा सकती भाई. इंडिया से जितनी बड़ी टीम बन गई हुई है, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता यार. इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज बहुत जबरदस्त जा रही है यार. क्यों नहीं जश्न मना रहे हो यार तुम लोग? पहली दफा पाकिस्तानियों के साथ सेलिब्रेट करता हुआ देख इंडिया के जीतने पर. नंबर वन टीम है, नंबर वन बॉलिंग उनके पास है, नंबर वन बैटिंग इंडिया के पास है यार. इंडिया नंबर वन इस फॉर्म से निकला ही नहीं जा सकता. इंडिया ने जीतना ही था भाई, ये तकदीर में लिखा होता है कि इंडिया मैच जीतेगी. इंडिया इंडिया तकदीर में लिखवा के आया था कि भाई मेरी ये ट्रॉफी है आपके सामने जितवा गया भाई. रोहित शर्मा जब 10 में से 10
की सीख नहीं लगा पाया। मेरी बात सुने, आज रोहित शर्मा ने इस तरह झटके बजवाए ऑस्ट्रेलिया के आगे, इंग्लैंड के आगे, हर टीम के आगे। मैं कहता हूँ अनबीटेबल, ऐसी सीख ऐसी पिच भी मिल जाए ना, हम कैसे प्लेन पिच भी मिल जाए, कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता इंडिया से। अगर इतनी प्लेन पिच भी मिल जाती ना अफ्रीका को, देखे बिल्कुल, आज आज बैंड बज गया सारी टीमों के, सारी टीमों का। आज इंडिया ने मुंह काला कर दिया, बता दिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैसे लेके जाते हैं। और वाकई रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आज इंडिया जीत गया, ये टाइटल इंडिया ने अपने नाम पे कर लिया। उसने बता दिया कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस तरह खींचते हैं। 2007 में खींची थी, आज इंडिया ने 2024 के अंदर यह ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, सालों को बाड़ी फेंका पकड़ के, पाकिस्तान को भी बाड़ी फेंक दिया। इंडिया ने जीत लिया यह T20 वर्ल्ड कप का टाइटल। और वाकई ही इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे लीथल टीम, सबसे लीथल बॉलिंग, सबसे लीथल बैटिंग सिर्फ इंडिया ने की है। यह साउथ अफ्रीका भी फिर से चौक कर गई है। पाकिस्तान के लेने आए हैं, जीत गया मैच, जीत गया, कुछ नया तो कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने आपको कितनी खुशियां दी है, भैया कोहली जीरो से आउट हो रहा है, विराट के बारे में इंडियन गद्दार है, ये पाकिस्तानी नहीं है ये। इंडिया जीत गया, बाकी इंडिया ने बता दिया विराट कोहली एक हमारा कप्तान, देख लो कुछ भी नहीं करता, डिपेंडरी करती, बाकी टीम भी तो करनी चाहिए। कब तक ब्लेम इनके ग्रुप बने हुए हैं ना, इनके ग्रुप बने हुए के बारे में क्या कहोगे यार। पर्चियां पर्चियां इंडिया ने बता दिया कि ये सारों का बाप है, पूरी क्रिकेट टीम का बाप है, तो मैं भी मान गई। आज इंडिया के आगे सारों का बाप है, कोई नहीं जीत सकता भाई। आप क्या कहोगे, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने इतने सालों के बाद अपने नाम कर ली है। अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया ने वार्म अप मैचेस से अपनी जीत का आगाज किया और आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा कर उन्होंने अपनी जीत का इख्तिताम किया है। इंडिया ने लगातार हर मैच अपने नाम किया, छोटी बड़ी टीमों को हरा कर इंडिया ने जो है फाइनल जीत लिया। क्या कहना चाहेंगे, ब्रांड इंडिया के ब्रांड, हमारी टीम कोई टीम नहीं है, हमारी टीम में ग्रुप बने हुए हैं, वो कहते इधर को जाना, वो कहते इधर को नहीं जाना। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा की हर कोई बंदा बात सुन रहा था, इन्हें कोई मैच नहीं अच्छा खेला, इंडिया वाला मैच भी गंदा जीते, जीते हुए हार गए, जीता हुआ मैच हमने। साउथ अफ्रीका ने भी ऐसे किया, यही मसला है ना, इनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं इधर जाओ, वो कहते नहीं नहीं हम इधर ठीक है ठीक है। देखिए ना, हम पाकिस्तानी अगर इंडिया को सपोर्ट करते, अभी आपने देखा वो भाई आके किस तरह लड़ रहे थे, हमें कह रहे थे आप इंडिया चले जाओ, आप यहाँ पे रहने का आपको कोई हक नहीं है, जाके इंडिया को सपोर्ट करो। भाई खेल है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी टीम को सपोर्ट करें, कोई हमें नहीं रोक सकता कि हम इंडिया को सपोर्ट करें, अफगानिस्तान को करें, साउथ अफ्रीका को करें, हर एक की अपनी चॉइस है। हम पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, ये लोग पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ रहे थे, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, हम लोग इंडिया को इसलिए सपोर्ट करते हैं, टीम अच्छी है, हम तो इसलिए सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के बाहर निकल रहा हमारा बनता ही, वो कहते हैं इंडिया में चले, हम इंडिया के पास ही रहते हैं बॉर्डर पे, हमारा मुल्क का जिला शहर भी नहीं, इंडिया के पास वो हमारे इधर आते हैं, बीजते हैं कनक वगैरह, बीजते हैं हम उनको, देखते हैं हम उधर भी चले जाते हैं, बॉर्डर के पार भी चले जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, हमारी भी उधर फसल है, हम भी उधर काम करते हैं। बॉर्डरों पे आपको ये दुश्मनियां नहीं मिलेंगी जो यहाँ आवाम के दिलों और दिमागों में है, ये आवाम को रुलाते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, वो क्रिकेट खेलते लोगों का दिल जीतते हैं, फ्लिक शॉट लगाता है, ब्रांड है विराट कोहली भी, हाँ ब्रांड है यार। वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा का कैसा बैट चला है, लास्ट वाले दो मैचेस के अंदर तो देखो रोहित शर्मा ने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 स्कोर मारा है और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आपको देखा 57 स्कोर मारा है। आज भी रोहित शर्मा ने जैसे कैप्टनसी किया और जैसे इंडिया को ये टाइटल जिताया, ये वाकई ही इंडिया की टीम डिजर्व करती है। रोहित शर्मा जैसा कैप्टन, एक धोनी था जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के गया, एक रोहित शर्मा जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के गया, और वाकई इंडिया के आवाम बड़ी खुशकिस्मत है। दो T20 वर्ल्ड कप जो अपने नाम पे कर चुका हुआ, ओडीआई दो वर्ल्ड कप इंडिया अपने नाम पे कर चुका हुआ, यह इंडिया की वाम की सबसे बड़ी खुशकिस्मत है, खुशकिस्मती मैं कहता हूँ। इंडिया की वाम बहुत ज्यादा लकी है कि उनको रोहित शर्मा जैसा कैप्टन मिल गया। आज इंडिया की पूरी टीम जश्न मना रही है, इधर हम लोग देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लोग कह रहे हैं वाकई इंडिया डिजर्व करता था यह T20 वर्ल्ड कप। सबसे बड़ी टीम जो है वो सिर्फ इंडिया ही थी और इंडिया ही परफॉर्म कर रही थी और सारी टीमों को बता रही थी कि हमने ये T20 वर्ल्ड कप जीतना है, लेके जाना है, खींचना है, लड़ना है, मरना है, सब कुछ करना है, और T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने कहा था अपने नाम करना, आज इंडिया ने नाम कर लिया, आज इंडिया बड़ी टीम बन गई है। सऊदी अरब का जब वजीर आजम है,
उसने बोला ये टीम वर्ल्ड कप जीत के शाही प्रोटोकॉल मिलेगा हाज पे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनको पता था ना, वो वजीर आजम को पता, ये जीत ही नहीं सकते शाही प्रोटोकॉल, इधर इनको कहाँ दे ये प्रोटोकॉल। अब इंडियन टीम को मिलना चाहिए, ये मैच खेलते नहीं है, दिल से नहीं खेलते लोग। बात है मेरी बात सुने, इंडिया अगर मैच जीता है ना तो यहाँ पे काफी लोग कह रहे हैं कि यार हम लोग इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं हमारी तरफ से अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, जो मर्जी क्रिकेट खेले, क्रिकेट की तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती यार। जैसे यही यही जो अवाम है ना, कोई कहता कहना यार पाकिस्तान के प्लेयर को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए, तब इनकी कहाँ पे जुबान होती है जो कहते हैं कि इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तब कहाँ पे इनके पिछवाड़े जाते हैं। ऐसी ही बात है ना, ये लोग बकवास करते हैं ना कि टीम को बाबर आजम को आईपीएल जाना चाहिए, तो ये वो बंदे अब कहाँ पे जो अब बकवास करते हैं कि भाई इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हम लोग इंडिया कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के 11 बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से बाहर भेजा इंडिया, पाकिस्तान हम पाकिस्तानी है, नो डाउट वी आर पाकिस्तानी, लेकिन हमारी तरफ से अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, हम लोगों ने अफगानिस्तान को भी सपोर्ट किया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती हम लोगों ने, इंग्लैंड को भी सपोर्ट किया। भाई अच्छी क्रिकेट दिखाओ और हमारा दिल ले जाओ, सपोर्ट ले जाओ, पाकिस्तान भी अगले साल कर ले तो हम लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा। अगर इंडिया कर रही है तो आपका क्या जाता है? हमने इंडिया किया था ना, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बदले में हमें क्या मिला? ख्वारी और जलालत और हार। मैं यही बात है, यही सिंपल सी बात है कि देखे ना, जब एक टीम 120 का टारगेट नहीं चेस कर पाती तो हम लोग किस मुंह से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो नहीं सपोर्ट कर रहा, सीधी साफ बात है, बैटिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी नहीं होती, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ आप इंडिया को देख लो, वो लोग तीनों चीजों में डोमिनेट कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। बैटिंग भी उनकी आउट क्लास है, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी आउट क्लास है, वो लोग हर चीज में आगे हैं भाई। इसलिए हम लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग कह रहे हो कि आप लोग इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया जाके रहो, हम लोग इंडिया को जाकर क्रिकेट खेलनी है ना तो अच्छी खेलो, बेशक बुरी ना खेलो, जैसी मर्जी खेलो, बैटिंग से करो, बॉलिंग से करो, फील्डिंग से करो, जैसी मर्जी करो, लेकिन यार जब तक आप लोग बैटिंग बॉलिंग से डोमिनेट नहीं करोगे तब तक नहीं कुछ हो सकता। और ये बात नहीं है कि इंडिया शुरू से ऐसी क्रिकेट खेलती है, 2021 के वर्ल्ड कप में आपने देखा था इंडिया कितनी बुरी क्रिकेट खेल रही थी, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा कैप्टन बना, उन्होंने अपनी क्रिकेट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, रोहित शर्मा इंटेंट के साथ खेलना शुरू हो गया ओपनिंग करने पे। वो ओपनिंग आपने देखा, ओपनिंग में वो कितना जालम करता है, अगर उसको रोहित शर्मा को पहली 10 गेंद देकर रोहित शर्मा ने खेल ली तो समझो भाई इंडिया मैच के हक में है, उसने भाई 50 से ऊपर ही स्कोर करना है। दूसरी तरफ आप अगर आप देख लें तो उन्होंने बॉलिंग भी उनकी वहाँ से अच्छी हो गई, बॉलिंग मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जो कि इस वर्ल्ड कप नहीं है लेकिन पहले वो खेल चुका है, कुलदीप यादव हो गया, बुमराह हो गया, बुमराह तो यार वो जो बॉलिंग कर रहा है वो भाई मैं अब हम कह सकते हैं कि बुमराह इतना कहूंगा, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप का रिग्रेट था ना वो आज पूरा हो गया भाई, पैसे पूरे हो गए, नो डाउट यार। साउथ अफ्रीका यार, मैं साउथ अफ्रीका के लिए भी थोड़ी बहुत क्लैपिंग करना चाहूंगा कि यार 32 साल के बाद जो टीम फाइनल में है लेकिन आगे डिसाइड हो गई है, लेकिन यार दिल छोटा नहीं करना चाहिए साउथ अफ्रीका को, हम कभी फाइनल में पहुंचे नहीं है यार, हम लोगों ने जो सरफराज अहमद ने जो हाफिज साहब ने हमें जिता दिया था ना एक चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान ही बस वहाँ पे खुश है कि भाई एटलीस्ट वी हैव चैंपियन ट्रॉफी, बस यही हमारे पास है। उसके इसके अलावा यार जो इमरान खान ने हमें ट्रॉफी लेकर दी हुई है, ये दो ट्रॉफियों के ऊपर पाकिस्तान चौड़ा कर घूम रहा है बस। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी और आज 2024 में इंडिया ने टाइटल अपने नाम किया है साउथ अफ्रीका को हरा कर। कितने खुश हैं इंडिया की जीत पर या एज अ पाकिस्तानी दुख हो रहा है इंडिया की जीत पर? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इंडिया की जीत पर, क्योंकि जब हम उनके मैचेस देखते हैं हमें एफर्ट नज़र आती है, वो अपनी कौम के लिए खेलते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, ना कोई टीम वर्क होता है ना किसी किस्म का, कोई सिंगल प्लेयर कोई ऐसी सिंगल एफर्ट करता है कि टीम मैच जीत सके, लेकिन इंडिया की टीम उनको देखो वो पूरी टीम के लिए खेलते हैं, वो पूरी कौम के लिए खेलते हैं, वो हर 2-3-4 साल बाद कोई ना कोई इंडिया ट्रॉफी अपने घर जरूर लेके आता है, लेकिन हम हमेशा खाली हाथ आते हैं घर, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म लेके दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं और हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके घर वापस आते हैं। अगर इंडिया ट्रॉफी ना भी लेकर आए तो इंडिया की टीम स्ट्रगल करती है और कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचती है ना, हम तो उससे पहले ही बाहर हो जाते हैं। देखे किसी भी स्पोर्ट्स में हार जीत जरूर होती है, ठीक है ना, हर टाइम हर कोई भी टीम जीत नहीं सकती, ठीक है ना, पर एक एफर्ट नजर आनी चाहिए इंडिया की टीम में, एक एफर्ट नजर आती है, कभी सभी फाइनल में जाके वो लोग आउट होते हैं, इतनी ट्रॉफीज के उन्होंने फाइनल्स खेले हैं लेकिन हम सिर्फ राउंड में ही बाहर हो जाते हैं, इंडिया के साथ खेल के ही बाहर हो जाते हैं, आगे तो जाना दूर की बात है। इस दफा तो हम यूएसए से भी हार गए हैं। हाँ जी, यूएसए की टीम वो तो छोड़ ही देना, जो टीम अभी न्यू एंटर हुई है इस कॉम्पिटिशन में, हम उस टीम से हार रहे हैं, तो इंडिया से जीतना तो बहुत ही आउट ऑफ माइंड बात है ना कि हम इंडिया की टीम को हरा सकते हैं। यूएसए की टीम जो उन्होंने अभी टीम तैयार किया, लेकिन उनकी टीम मैनेजमेंट देखे, प्लेयर्स देखे कितना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम इतनी पुरानी टीम, 100 साल पुरानी टीम है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से टीम है, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ दो।
अफगानिस्तान को आप देख लें, हमारे बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आई और हम ये कहते रहे कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई है और आज अफगानी देखें वो जो है सेमीफाइनल तक पहुंच गए और हम उससे पहले ही घर चले गए। अच्छा अगर हम बात करें, एक मुहावरा कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इंडिया ने अपने इस वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो जीत के साथ किया था, इंडिया ने अपने वार्म अप मैचेस तमाम जीते और आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अहतमाम भी जीत के साथ किया। देखिए वार्म अप मैचेस जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस ही करवाते हैं ना आगे मेन कंपटीशन के लिए, जब आप उसमें ही अपनी 100% शो करेंगे, अपनी टीम वर्क शो करेंगे, प्लानिंग शो करेंगे, तभी तो आप मेन मैचेस जीतेंगे ना। उन्होंने फर्स्ट डे से अपनी स्ट्रॉन्ग रखा, टीम वर्क, बैटिंग स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने मेन मैचेज में भी परफॉर्म किया और ट्रॉफी जीती। हम वार्म अप मैचेस को ईजिली ले लेते हैं, बी टीम खिला ली, प्लेयर्स शफलिंग करते रहते हैं, कोई मेन बैट्समैन मेन बॉलर्स तैयार ही नहीं करते मेन कॉम्पिटिशन के लिए, जब मेन मैचेज आते हैं तो हमारे प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाते। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 2007 में इंडिया ने लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी और आज 2024 में एक बार फिर से इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि वो शुरू से अनबीटेबल यार्ड थी, उनके साथ पहले भी जो हैंड हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वो तो हर किसी को मारने के चक्करों में आए हुए थे, हर मैच में उन्होंने मारा, जैसे कि रोहित शर्मा अकेले ही खा गया ऑस्ट्रेलिया को, उसके अलावा जय शाह ने प्रॉमिस किया था अपनी टीम से अपनी कौम से कि वो ट्रॉफी जीतवा के लेके आएंगे और इंडिया ने देखे ऐसे ही किया। हाँ यार उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। टीम परफॉर्मेंस ऐसे जारी, आईपीएल के बाद भी सेम वही जो हार्दिक पांड्या नहीं था चल रहा है वर्ल्ड कप में आके वो बहुत अच्छा। आज तो हार्दिक पांड्या ने भी भाई कमाल किया, हमने देखा जिस तरह इस टीम ने विकेट लिया, आगाज इंडिया ने किया, वार्म अप मैचेस इंडिया ने जीत के साथ शुरू किए और इंडिया ने आज 8/8 की विनिंग स्ट्रीक लगाकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लगा दी है। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अनबीटेबल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने ही है, बिल्कुल वो हर टीम से जीते हैं। कप्तानी कितनी मैटर करती है किसी टीम को जितवाने के लिए? कप्तानी तो आप देख लें, रोहित शर्मा अनबीटेबल जा रहा है, उसने वो अकेला ही वो हर टीम को मारी जा रहा है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीत के बता दिया कि क्रिकेट का बाप इंडिया ही है। इंडिया ने आज T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। लास्ट टाइम इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी और आज 2024 में उन्होंने ट्रॉफी एक बार फिर से अपने नाम कर ली है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? 8/8 की विनिंग स्ट्रीक लगा दी उन्होंने। अच्छा जी, सबसे पहले मैं तो अपना इंडियन टीम को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला और बड़ा शानदार खेला, अनबीटेबल खेला, एक भी टीम को से वो हारे नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, और फिर उनमें सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ देखने में मिलती है ना, मैन ऑफ स्पिरिट मिलती है हर प्लेयर में उनकी, इंटरनेशनल लेवल की उनकी फिटनेस मिलती है हमें, और सबसे अच्छा उनका जो उनसा असाब पे वो अपने हैवी नहीं करते हैं बल्कि मैच को टू द पॉइंट खेलते हैं, प्रोफेशनली लेकर चलते हैं, अंडर प्रेशर नहीं आते, अंडर प्रेशर नहीं होते और प्रोफेशनली देखते हैं कि जिसको जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक वो स्ट्रोक भी खेलते हैं, रोकते भी हैं और इसीलिए वो आज विनर भी है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में? अच्छा, मैं तो अपनी जात पे अगर आप मुझे पूछे ना तो मुझे अफगानिस्तान बड़ी पसंद आ रही थी, कह रहा था कि हम साया मुल्क है, मुसलमान कंट्री है और एशिया में कप आएगा, तो देखें लकीली चले एशिया में ही आ गया, इंडिया भी हमारा नेबर है तो मुझे इस बात की भी खुशी है, चलो बाहर नहीं गया, इधर ही फिर अगली मरतबा फिर हम इधर ही खेलेंगे, इधर ही देखेंगे सारे, तो अफगानिस्तान मेरी इस मरतबा फेवरेट थी जो नहीं आ सकी, मैं चाहता था कि अफगानिस्तान आऊँ। पाकिस्तान को आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे? पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो हम, ये तो कभी नहीं हो सकता कि हम सपोर्ट ना करें एज ए पाकिस्तानी, तो लेकिन ये लोग कुछ करते ही नहीं है, समझ ही नहीं आती, ना मैन ऑफ स्पिरिट होती है, ना कोई टीम में आपको डिसिप्लिन मिलता है, समझ नहीं आती, वो बस जैसे उनको समझ आती है खेल लेते हैं, प्रोफेशनलिज्म कोई नहीं नज़र आता इनकी टीम में, अब नहीं नज़र आता जो पहले कभी होता था। टीम इंडिया की बात करें तो मैं कहती हूँ उनकी ये लगातार मेहनत और अनथकन कोशिशों का नतीजा है कि आज उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगर दूसरी जानिब हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो उनकी बड़ी स्ट्रगल थी, 32 साल की स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका इस मकाम पर पहुंचा था लेकिन यहां पर आकर किस्मत उनका साथ नहीं दिया। कहते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, अगर दो टीमें खेल रही हैं तो एक ने हारना है एक ने जीतना है और आज इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट का बाप है। वाकई इंडिया ने साबित किया है कि वो दी बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड है
और साउथ अफ्रीका भी ने भी कोशिश की है। तो जी हाँ गाइस, फाइनली जो है एशिया के अंदर ही कप आ चुका है, हमारी नेबर कंट्री के पास कप आ चुका है। और आज मैंने ब्लू शर्ट जो है ना बड़ी मुश्किल से ही मुझे मिली, क्योंकि मैं टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे ब्लू शर्ट बहुत शिद्दत से चाहिए थी। अभी इधर पाकिस्तान के अंदर ना इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट जो है वो नहीं मिलती, तो इसलिए फिर ब्लू जो है ना फाइनली मैंने ढूंढ ली। मैंने कहा मैंने आज इसके अंदर ही वीडियो बनानी है, बिकॉज मैं टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे शुरू से ही था कि इंडिया जीतेगी। लेकिन अंदर आकर जब सारी टीम मतलब 176 बनाया ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत कम टारगेट है। और उसके बाद वो बहुत रैपिडली वो मैं नो डाउट अफ्रीका के बारे में बोलना चाहूंगी, इतना टफ कंपटीशन उन्होंने दिया, अपनी लास्ट सांस तक जो है ना उन्होंने खेला, बट नहीं जीत पाए। उनके लिए बुरा लगा बिकॉज वो भी काफी टाइम से इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो है टीम इंडिया ने, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, मैंने कहा अब गया मैच हाथों से। लेकिन फिर भी टीम इंडिया जीती यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडिया पाकिस्तानी जो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं उन पाकिस्तानियों को जो है मुबारक हो, और पूरे इंडिया को मुबारक हो। और इसी खुशी में जो है वो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 10 दोस्तों तक आज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग इंडिया के मतलब जीतने की खुशी में खुश हैं तो। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।